हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कनकिया चैनल। दोस्तों कैसे हैं? दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलेंगे कैसे आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं मोबाइल से। दोस्तों ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आपको काफ़ी सारा वेबसाइट और ऐप्स मिल जाएंगे ऑनलाइन में, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा IRCTC ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप्स रेलवे डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट ऐप्स है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। उसका बाद ये ऐप्स में आपको रजिस्टर करना पड़ता है आपका मोबाइल नंबर से। दोस्तों ऐप्स को इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिए। ओपन होने के बाद आपको इसमें कुछ परमिशन मांगता है, इसको अलाउ कर दीजिए। नेक्स्ट फिर से फोटो मीडिया अलाउ कर दीजिए ये परमिशन को। उसके बाद आपको इसमें एक अलर्ट आता है, अलर्ट को ओके करना है। सो ओके करने के बाद आपको ऐप्स ओपन हो जाता है। इसमें देखिए, इसमें ट्रेन बुक कर सकते हैं, फ्लाइट बुक कर सकते हैं, बस बुक कर सकते, काफ़ी सारे ऑप्शन है। और नीचे आप देख सकते हैं होम है, माय अकाउंट है, माय ट्रांजेक्शन, और इसमें मोर का ऑप्शन मिलेंगे, इसमें सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी देखिए, इसमें रजिस्टर करने के लिए आपको माय अकाउंट में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये प्रेस निकल के आता है। इसमें आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, मतलब साइन इन का। यूज़र नेम पासवर्ड डाल के, आप कैप्चा डाल के आपको साइन इन करना है। अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, नया रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर यूज़र में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इसमें नया पेज निकल के आता है ये। सो दोस्तों इस पेज में जो भी ऑप्शन है आपको फिलअप करना है, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड भी डालना है, फिर से नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद नेशनलिटी डालना है, उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन एक है उसको क्वेश्चन सिलेक्ट करके आप डाल सकते हैं, और क्वेश्चन डालना है, मेरिट स्टेटस डालना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। ये रजिस्टर होने के बाद आपको ये साइन इन का पेज मिलेगा। इसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के लॉगिन में क्लिक करना है। ये लॉगिन होने के बाद आपको नेक्स्ट पेज में मिलेंगे जेनरेट पिन का एक ऑप्शन। ये जो जेनरेट पिन का ऑप्शन है, ये एंटर पिन और कन्फर्म पिन, आपको जो पिन एंटर करना है 4 डिजिट का एक नंबर डाल दीजिए, और कन्फर्म में भी वही डाल दीजिए। ये जो नंबर है आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेंगे। ये जो पिन है, ये IRCTC का एक सीक्रेट पिन है। ये पिन आपको लॉगिन टाइम को यूज़ करना पड़ेंगे। जब लॉगिन करना चाहता है आप, उस टाइम पिन डालिए और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लीजिए। ये देखिए, इसमें ट्रेन का ऑप्शन है, ये ट्रेन का ऑप्शन में क्लिक कीजिए। अभी देखिए ये जो पेज निकल के आया, इसमें आपको ट्रेन बुक करने के लिए मिलेंगे, माय बुकिंग ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, PNR स्टेटस आप देख सकते हैं, और रिफंड हिस्ट्री भी देख सकते हैं। काफ़ी सारा ऑप्शन है ट्रेन का संबंधी। तो अभी मैं आपको एक ट्रेन टिकट बुक करके दिखाने वाला हूँ, वो भी स्लीपर सीट का कन्फर्म टिकट। इसके लिए आपको ट्रेन टिकट बुक करने के लिए बुक टिकट में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ये पेज देखने के लिए मिलेंगे। इस पेज में फ्रॉम और टू दो ऑप्शन है, कहाँ से कहाँ आपको जाना है। तो फ्रॉम में क्लिक कीजिए। क्लिक करके आप कौन सा स्टेशन से आप सफ़र करना चाहते हैं, वो स्टेशन का नाम एंटर कीजिए। जैसे कि मैं इसमें एंटर किया बेंगलोर, बेंगलोर इसमें नीचे मेरे को मिल गया KSR बेंगलोर, इसको क्लिक किया। तो कहाँ जाना है, टू ऑप्शन में आपको सर्च करना है। तो इसमें मैं मैंगलोर सर्च किया। सर्च करने के बाद नीचे मेरे को मिला मैंगलोर सेंट्रल और जंक्शन का दो ऑप्शन। तो मैं इसमें मैंगलोर सेंट्रल में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसमें डिपार्चर डेट सेलेक्ट करना है। डिपार्चर डेट में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको इसमें डेट चॉइस करना है, जो डेट में आपको जाना है। इसमें जुलाई है, जुलाई में मैं नहीं सिलेक्ट किया, अगस्त का 1 तारीख को मैं इसमें क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ओके में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसमें ट्रेन सर्च ट्रेन्स ऑप्शन है रेड कलर में, इसमें क्लिक कीजिए। सो दोस्तों उसके बाद आपको ट्रेन देखने के लिए मिलेंगे टाइम शेड्यूल के साथ, ट्रेन का जो नेम है और ट्रेन का नंबर इसमें देखने के लिए मिलेंगे टाइम का साथ। इसमें देखिए कानो एक्सप्रेस 16511 जो ट्रेन है, ये 21:35 मतलब 9:35 को छोड़ने वाला है बेंगलोर से मैंगलोर, मैंगलोर 7:10 को मिलेंगे। तो इस तरह से ये ट्रेन देखने के लिए मिला। तो आपको रिफ्रेश में क्लिक करना है। 2S स्लीपर थ्री है, मतलब 2S मतलब ये जनरल डब्बा का टिकट है। इसमें क्लिक किया, मैं क्लिक किया तो नॉट अवेलेबल टिकट है। स्लीपर में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको इसमें देखने के लिए मिला वेटिंग में जो रेक है 25, मतलब 1 अगस्त को वेटिंग में है, 2 अगस्त से अवेलेबल है। तो कानूर एक्सप्रेस में मैं टिकट नहीं किया। तो अभी आप दूसरा ट्रेन देख सकते हैं, जैसे कि मैं नीचे की ट्रेन को देख रहा हूँ, MAQ एक्सप्रेस, इसमें SL मतलब स्लीपर में रिफ्रेश में क्लिक किया। 1 अगस्त को देखने के लिए मिला 213 सीट अवेलेबल है। तो मैं ये टिकट बुक करने वाला हूँ। इसमें देखिए 2030 मतलब
इवनिंग 8:30 को ट्रेन छोड़ेंगे बेंगलुरु से और 9:05 मॉर्निंग को मैंगलोर मिलेंगे। तो आपको इस तरह से बुकिंग करने के लिए आपको पैसेंजर डिटेल्स में क्लिक करना है नीचे, इसमें क्लिक करने के बाद IAG में क्लिक करना है, कन्फर्मेशन करना है। उसके बाद आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे इन्फो, इसमें ओके कीजिए। ओके करने के बाद आपको ये डिटेल्स देखने के लिए मिलेंगे पैसेंजर। एक्चुअली दोस्तों इसमें मेरा पहले से नाम और एड्रेस फिलअप है, इसलिए इसमें सिलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन आया और स्किप का ऑप्शन आया, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मेरा। अगर आपको डायरेक्टली आता है एड एडल्ट बोल के, इसमें आपको एड न्यू में देखिए एड न्यू है, इसमें एड न्यू में क्लिक करना है और आपका नाम डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, मेल फीमेल डालना है, एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है, ये डिटेल्स इसमें फिलअप करना है। सो दोस्तों पैसेंजर डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कीजिए, देखिए इसमें ऑर्डर प्रेफरेंस का दो ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, ये आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं करने से भी होगा। और उसके बाद नीचे देखिए इसमें पेमेंट मेथड का ऑप्शन है, ये इम्पोर्टेंट है, पे टू क्रेडिट डेबिट कार्ड्स नेट बैंकिंग वॉलेट ऑर्डर्स ये भी ऑप्शन है, और नीचे पे टू BHIM मतलब UPI ID से भी आप पे कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करके पे कर सकते हैं आपका टिकट का पैसा मतलब मनी। उसके बाद इसमें है ट्रेवल इंश्योरेंस, अगर आपको ट्रेवल इंश्योरेंस चाहिए तो यस कीजिए, नहीं चाहिए तो नो कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप रिव्यूज और डिटेल्स में क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपको ये प्रेस मिलेगा नेक्स्ट, इसमें देखिए इसमें डिटेल्स है 8:30 को ट्रेन छोड़ेंगे और 9 बजे पहुँचेंगे, पैसेंजर डिटेल्स है। और आपको इसमें नीचे देखने के लिए मिलेंगे, जैसे इसमें लिखा है 327 रुपीज़, ऐसे टिकट का प्राइस आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आपको इसमें कैप्चर कोड फिलअप करना है, जैसे कि HF9C आप देख रहा है, ऐसे कैप्चर को इसमें टाइप करना है। उसके बाद प्रोसेस टू पे में क्लिक करना है। सो प्रोसेस टू पे में क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, ये येस करना है, अलर्ट को येस कीजिए। येस करने के बाद आपको इसमें पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन ये पहला है, इसमें क्लिक किया मैं। क्लिक करने के बाद आपको ढेर सारा ऑप्शन मिलेंगे, इसमें ये ऑप्शन एक कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं इसमें फ़ोनपे सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद आपको नीचे पे में क्लिक करना है, पे में क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर सबमिट करना है, इसमें एक OTP आएंगे, OTP को फिलअप करना है, जैसे कि पेमेंट प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है। सो दोस्तों आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको टिकट मिल जाएंगी, अगर आपको इसमें लिखा आएंगे अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो रिफंड कर दिया जाएंगे आपका पैसा। तो टिकट अभी देखिए प्रोसेसिंग पेमेंट हो रहा है मेरा, ये पेमेंट कंप्लीट हो गया मेरा, अभी देखिए ये टिकट आ गया। टिकट में आप देख सकते हैं आपका S8 है और 70 बिट है, मतलब कॉस S8 मतलब S8 नंबर डब्बा का नंबर है, S8 नंबर डब्बा और बिट 70, ये अपर में है, ऊपर का साइड में 70 नंबर सीट में है। तो इस तरह से आपको सीट नंबर मिल जाएंगे और कंफर्म हो जाएंगे आपका टिकट, ये टिकट कंफर्म हो गया। ये डाउनलोड करने के लिए ये ऊपर में ऑप्शन है, ये इसमें क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये PNR नंबर है, PNR नंबर चेक करके आप बाद में देख सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फैन के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको टिकट बुकिंग के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए आगे। थैंक यू।